बहुत ज्यादा जोर से झटका लगाते हैं या क्या महिला को पीछे से सेक्स करना पसंद है? इस वीडियो में हम जानेंगे इसके बारे में दोस्तों। अगर आपको भी जानना है तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और क्या क्या चीज़ उनको पसंद नहीं है, किस लिए नहीं पसंद है, और जो डॉगी पोजीशन है वो तो पीछे से ज़्यादातर करते हैं, तो आइए इसके बारे में हम जानेंगे दोस्तों इस वीडियो में। सेक्स के बारे में तो हर एक इंसान जानता है, लेकिन सही चीज़ नहीं जानता है। सही बात क्या है, सही एजुकेशन क्या है इसके बारे में वो नहीं जानता है। दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना है और नोटिफिकेशन बेल को ऑल कर देना है। आइए वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। दोस्तों डॉगी स्टाइल पोजीशन एक ऐसा पोजीशन है, बहुत ही फेमस पोजीशन है, हर इंसान जानता है इसके बारे में, हर इंसान इसको करना भी चाहता है। कुछ लोग एनल से करते हैं परफॉर्म और कुछ लोग वेजाइना से एंटर करते हैं, तो ऐसा होता है डॉगी स्टाइल पोजीशन। दोस्तों मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था एनल सेक्स का क्या प्रोटेक्शन है, कैसे करना चाहिए, कैसे यूज़ करना चाहिए प्रोटेक्शन में, तो वो वीडियो भी आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है या फिर आई कार्ड में आप क्लिक कर सकते हैं, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको सही इन्फॉर्मेशन मिल जाए। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं एक मेल को क्यों पसंद आता है डॉगी स्टाइल पोजिशन। डॉगी स्टाइल पोजिशन के पीछे एक चीज़ है कि डीप पेनिट्रेशन। बहुत सारे मर्दों को पसंद होता है कि डीप पेनिट्रेशन करना है और उनके हाथ में कंट्रोल रहता है, खुद प्रेशर क्रिएट कर सकते हैं, इसीलिए उनको बहुत ज़्यादा पसंद आता है डॉगी स्टाइल पोजीशन। लेकिन लड़कियों को क्यों पसंद नहीं आता, और कुछ लड़कियों को पसंद भी आता है और साथ में वाइब्रेटर का यूज़ करते हैं, जो वाइब्रेटर जो सेक्स टॉय होता है इसका भी इस्तेमाल करते हैं ताकि उनको प्लेजर फील हो। और एक मर्द जब करते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा प्लेजर फील होता है डॉगी स्टाइल में। आप अगर करते हैं तो आपको भी पता होगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा इसके बारे में। दोस्तों अब बात करते हैं फीमेल क्यों पसंद नहीं करती है डॉगी स्टाइल पोजीशन का, क्योंकि सब लोग तो डॉगी स्टाइल पोजीशन को पसंद करते हैं, लेकिन फीमेल, कुछ फीमेल ऐसे है क्यों पसंद नहीं करते। नंबर वन जो रीज़न है, क्योंकि इसमें पेनफुल सेक्स होता है, पेनफुल इंटरकोर्स होता है, जिसके कारण फीमेल नहीं करना चाहती है क्योंकि वो कम्फर्टेबल नहीं होती हैं। नंबर टू, वो रोमांटिक नहीं हो पाती है, फिजिकली अटैच नहीं हो पाती है, मेंटली और फिजिकली दोनों तरफ से वो सही से उनके साथ मिल नहीं पाती है, जिसके कारण वो सोचती है कि नहीं, ये नहीं करना है, मुझे अच्छा नहीं लगता है। दोस्तों ये सर्वे में भी पाया गया है कि लड़कियों को इसी कारण से भी डॉगी स्टाइल पोजीशन पसंद नहीं आता। दोस्तों अगर आप ज़बरदस्ती इस पोजीशन को ट्राई करते हैं अपने बेगम के साथ, तो इससे आपका रिश्ता ख़राब हो सकता है, आप दोनों का जो रिश्ता है, बॉन्डिंग है, वो ख़राब हो सकता है। नंबर थ्री दोस्तों, और एक रीज़न है, जब आप डॉगी स्टाइल पोजीशन में परफॉर्म करते हैं तो बहुत ज़्यादा ज़ोर से झटका लगाते हैं, आप बहुत ज़ोर से आप स्ट्रोक लगाते हैं, तो क्या होता है उस टाइम उनका जो बॉडी है, उनका जो ब्रेस्ट है वो लटक जाता है, उनको लगता है कि उनका बॉडी फिट नहीं रहेगा, उनका ब्रेस्ट फिट नहीं रहेगा, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा ज़ोर से प्रेशर क्रिएट करते हैं वहाँ पे। दोस्तों आई होप आप लोग का ये वीडियो पसंद आया होगा, आपका जो डाउट है वो मैंने क्लियर कर दिया है। और दोस्तों मेरा जो न्यू चैनल है क्रिएट किया है डॉक्टर सरहाना टिप्स, प्लीज़ जाइए सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑल कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले एक न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।